तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पहले प्रोडक्ट की। तो ये है हमारा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा पहला प्रोडक्ट। ये बेसिकली एक तरह का टेप है। तो आप देख सकते हैं ये है वो पहला प्रोडक्ट। ये एक तरह का टेप है, एक तरह का टेप है जिसमें कि यहाँ पे स्टिकर होगा। जब आप उसको निकालोगे इसमें इसके अंदर गम होगा जिससे कि हेल्प से आप कहीं भी इसको आप चिपका सकते हो, राइट। तो ये एक तरह का टेप है जैसे कि इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, खिड़की या दरवाजे में। अगर आपको जो थोड़ी सी जगह लग रही है जहाँ से आप, अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो ठीक है, तो ये एक विंडो है, यहाँ पर आप कॉर्नर पे यहाँ पे इसको लगा सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर सपोज़ कि कहीं पर खिड़की या दरवाजे में कहीं पे थोड़ी सी जगह है तो वहाँ से बाहर की जो नॉइस है वो अंदर आएगी रूम के अंदर। तो अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि वो आपकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। आप अपने डोर या विंडो में अगर कहीं कुछ जगह है तो उस जगह को, इस स्पेस को आप इससे कवर कर सकते हो। ये बड़ा ही अच्छा है, इसमें सेल्फ एडहेसिव लगा होता है यहाँ पे, तो इसको चिपकाने में काफ़ी आसानी हो जाती है, राइट। तो ये 5 मीटर का आई थिंक है, 5 या 6 मीटर का लमसम है इसकी लंबाई, और काफ़ी अच्छा है। ये कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 200 से 300 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। तो मैंने अभी एक ऑर्डर किया, मैं देखता हूँ कि अगर शायद थोड़ा बहुत अगर ये काम करेगा, ये अच्छा होगा, तो फिर इसके 1-2-4 पीस और मैं मंगाऊंगा। बिकॉज़ कि क्योंकि ताकि मैं पूरी विंडो और डोर दोनों दोनों को मैं पैक करूंगा जहाँ जहाँ भी मुझे स्पेस नज़र आएगा। ओके गाइस, तो ये दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट। और बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। तो जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा वो यहाँ पर है, इसको एक बार ओपन करते हैं। ओके तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली एक लैपटॉप स्टैंड है और स्टील के बाद ये बड़ा ही कॉम्पैक्ट है ना, इसको आसानी से आप कहीं भी ले जा सकते हैं, आराम से फोल्ड करके रख सकते हैं, तो बड़ा कम स्पेस ये लेता है, ठीक है। तो एक बार इसको हम ओपन करेंगे फिर से। तो ये इस तरीके से इसमें इसके अंदर से आप उसको निकालोगे एंड ओके तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से एक यहाँ पर आपको एक इसका एक बैग मिल जाएगा, कैरी बैग। ओके फाइन, तो आप ये देख पा रहे हो ये इस तरीके से, ठीक है। ये आई थिंक स्टील का है और काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी काफ़ी बजट में था इसका। और ओके तो ये यूज़ कैसे होगा, सपोज़ करो कि ये से इसको मैंने ऐसे रख लिया, राइट। तो अभी हम इसको ऐसे करेंगे ये ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें काफ़ी सारे यहाँ पर एंगल्स बने हुए हैं, अगर आप ये देख पा रहे हो इस तरीके से ये एंगल्स, ठीक है। इनको हम यहाँ पर इस तरीके से फंसा देंगे फिट्स। ओके तो अभी ये हमारा जो स्टैंड है, ओके ये स्टैंड अभी यहाँ पे फिक्स हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह रख सकते हो। तो गर्मियाँ चल रही हैं, अगर आपके लैपटॉप में प्रॉपर हीटिंग के लिए प्रॉपर अच्छा वाला फ़ैन नहीं है, काफ़ी हीट कर रहा है लैपटॉप आपका, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट होगा। ये बेसिकली लैपटॉप का स्टैंड है और इस पर आप अपने लैपटॉप को रख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा ना टेबल से थोड़ा सा ऊँचाई पर रहेगा तो नीचे से हवा पास होगी उसमें से, राइट यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो विंड है यहाँ से क्या होता है, हवा जाता है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आता है, और एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो खैर ये पुराना लैपटॉप है तो यहाँ पर, सॉरी आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ एक है, एक यहाँ पर है और आपको एक यहाँ पर ये मिल जा रहा है। तो यहाँ इसके थ्रू नीचे से हवा जा रही है इधर साइड से, और यहाँ साइड से हवा जो है बाहर निकल रही है, राइट। तो कई बार क्या होता है गर्मियों में अक्सर ये देखा जाता है कि ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है लैपटॉप को यूज़ करना, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग का इशू आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर इसको ऐसे रख सकते हैं, राइट, और इसको हम ऐसे यहाँ पे इस पर रख सकते हैं एंड देन फिर हम इस लैपटॉप को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके तो ये एक सिनेरियो हो जाएगा आपको लैपटॉप यूज़ करने का। तो फिलहाल के लिए अभी ये जो प्रोडक्ट है, बस मैं एक ऐसा ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। बेसिकली ये जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हालाँकि ये अगर प्लास्टिक भी होता तभी कोई इशू नहीं था, अगर हार्ड प्लास्टिक है तो काफ़ी आसानी से, ताकि अगर 2-5 किलो का वजन अगर वो झेल पाएगा तो आसानी से काम कर पाएगा। बट ये पूरी तरीके से स्टील है तो कोई इशू नहीं है, प्रॉपर अच्छा सा है ये, और इसमें काफ़ी एडजस्टेबल एंगल आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये एडजस्टेबल एंगल है, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि कितना आपको चाहिए, राइट। तो ये इस तरीके से फिक्स हो गया, अब इस पर आप अपना लैपटॉप रख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर रबड़ मेंशन है, ताकि आपके जो वो लैपटॉप हो उस पर कोई खरोच वगैरह ना आए, राइट। और ये पूरा साइड में आपके जगह भी बच जाता है, तो आप इसके पीछे भी कुछ रख सकते हो, बगल में भी कुछ रख सकते हो, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और बेसिकली इसकी जो प्राइस है आई थिंक ये भी मुझे 300-350 रुपये के अंदर मिला।
तो आप वो भी ले सकते हो, आरजीबी लाइट वाले भी आते हैं वो भी ले सकते हो, बट वो बजट के हिसाब से हैं क्योंकि वो थोड़े से महंगे आते हैं, 600 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच तक वो आते हैं, बट ये वाला काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि इसे कहीं भी कैरी करके आप ले जा सकते हो, ऑफिस ले जा सकते हो, इसको स्कूल ले जा सकते हो, राइट, कॉलेज वगैरह में ले जा सकते हो, तो कहीं भी आप इसे लेके घूम सकते हो। बिकॉज जब भी आप इसको समेटोगे ना तो ये बहुत ही छोटा सा, ठीक है, बस ऐसे ही आप इसे आसान से बैग में भर सकते हो, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा इसका है, और साथ साथ एक कैरी बैग है तो आप इसको हैंडल करने में और आसानी होगी, ठीक है। तो ये दो छोटा से दो प्रोडक्ट हैं जो कि मैंने अभी फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।